अज़बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक होंगे, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ठीक ठाक रखे, अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। मैं आज बनाने लगी हूँ मकई की रोटी। तो इधर तो वो पैकेट में ही आटा मिलता है, तो इसमें ना पानी ज़्यादा डालना होता है और दूध, अगर आपकी मर्जी है तो दूध डालें, नरम रोटी बनती है इससे। मैंने दो रोटियों का आटा लिया, पानी गरम लिया थोड़ा सा नीम गरम, और एक कप दूध लिए, हाफ टी स्पून नमक लूंगी, और इसमें दो चुटकी अजवाइन डालूंगी। अजवाइन का बहुत अच्छा जायका होता है और हजम करने में बहुत अच्छी है, ये रोटी को हजम कर देती है। अब इसमें जाएगा दूध, इसको बहुत पतला रखना है, ये थिक हो जाता है इसका आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा आटा होता है, जो डाला पानी एक दफा डाल के गून लिया, ये सख्त होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसको जितना डालो पानी थोड़े ऐसे इसको आटे को गून। ये इस फॉर्म में हो जाए, समझो तैयार है, नरम नरम सा ऐसे करके। मेरी वीडियो एंड तक देखा करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपकी। साफ ये ऐसे मक्खन लगाना है, इसको ऐसे बंद करना है, रोटी बड़ी होगी थोड़ी सी, चल कर लेंगे कुछ ना कुछ। देखिए कितनी प्यारी बन रही है, अच्छी बन रही है।
अच्छा है एकदम। मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ। आज मैं सुबह उठी तो मैं सोचने लगी कि कौन सा नाश्ता करूँ, क्या बनाऊँ आज। तो आज ब्रेक खाने का दिल नहीं था और बिस्किट वगैरह भी नहीं खाने का दिल था, तो ये सामने नज़र आया मकई का आटा, क्या चलो मकई का आटा बनाते हैं, इसकी रोटी बनाते हैं। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं लस्सी और पराठा और मक्खन। अभी लस्सी बनने लगी है तो वो बहुत मज़ा आता है जब मिल के खाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालना होता है थोड़ा थोड़ा, ताकि बाहर ना गिरे। ये आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया और हमारी यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाती है। और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक की अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यार प्यार दोस्तों, टेक केयर।